मैथमेटिक्स ब्रिज कोर्स, इसका आज 23rd डे है और इसमें आज हम लोग वर्कशीट नंबर 23 जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। देखो वर्कशीट नंबर 23 में उसका यूनिट है नंबर वर्क और सब यूनिट है डिविजिबिलिटी। देखो बच्चों, आप लोगों ने फिफ्थ कक्षा में डिविजिबिलिटी की 2, 5 एंड 10 इसकी टेस्ट जो है उसका स्टडी किया था, और 6th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने उसका 3, 4 एंड 9 इस डिविजिबिलिटी टेस्ट का भी स्टडी किया था। तो उसका थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करेंगे और बाद में उस पर डिपेंड जो भी क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 5 एंड टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 10। तो सबसे पहले टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2, देखो इफ देयर इज 0, 2, 4, 6 और 8 इन द यूनिट प्लेस, द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। मतलब जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 एंड 8 इनमें से कोई भी वन डिजिट होगा तो वो नंबर 2 से डिवाइड रहेगा। उसके बाद टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 5, एनी नंबर विद 5 और 0 इन द यूनिट प्लेस इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और डिविजिबल बाय 5। मतलब जिस नंबर के यूनिट प्लस पर 5 या फिर 0 रहेगा वो नंबर 5 से डिविजिबल रहेगा। और टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 10, एनी नंबर दैट हैज 0 इन द यूनिट प्लेस इज अ मल्टीपल ऑफ 10। मतलब जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 यह डिजिट रहेगा वो नंबर 10 से डिवाइड रहेगा। अभी ये जो डिविजिबिलिटी की 2, 5 एंड 10 की टेस्ट है इस पर डिपेंड एक क्वेश्चन जो है वो हमें सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, रीड द नंबर्स विच ऑफ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 5 और 10, राइट देम इन द एम्प्टी बॉक्सेस। देखो यहाँ पर नंबर्स दिए हैं 135, 234, 475, 650, 400, 638, 606, 508, 9009, 5535 और यहाँ पर 6580 डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 5 एंड डिविजिबल बाय 10। उसके बाद क्वेश्चन दिया है राइट 5 3-digit नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2। मतलब देखो ऐसे 5 नंबर्स लिखने के हैं कि जो 2 से डिवाइड रहेंगे लेकिन उनको वो 3-digit वाले चाहिए। इसका मतलब देखो आपकी 2 की डिविजिबिलिटी की टेस्ट मालूम होगी कि जिस नंबर के यूनिट प्लस पर 0, 2, 4, 6 एंड इसमें से कोई भी एक डिजिट रहेगा वो नंबर 2 से डिवाइड रहेगा। उसके बाद राइट 5 3-digit नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 5। अभी देखो जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 और 5 इसमें से कोई भी एक डिजिट रहता है वो नंबर 5 से डिवाइड रहता है, इसीलिए आप लोगों को ऐसे 3-digit वाले नंबर तैयार करने के हैं। उसके बाद राइट 5 3-digit नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 10। अभी देखो जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 रहेगा वो नंबर 10 से डिवाइड रहेगा, इसीलिए आपको 3-digit वाले ऐसे 5 नंबर्स लिखने के हैं कि जिनके यूनिट प्लेस पर 0 रहेगा। उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे कि डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3। अभी देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3 में इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इन अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मतलब देखो जिस नंबर के जो डिजिट रहेगा उस डिजिट की अगर हम लोगों ने सम की वो सम अगर डिविजिबल मतलब 3 से डिवाइड रहेगी तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड रहेगा, यानी इसको कहते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3। उसके बाद देखो आगे है टेस्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4। इफ द नंबर फॉर्म बाय द डिजिट इन द टर्म्स टेंस एंड यूनिट्स प्लेसेस ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। मतलब देखो ऐसा डिजिट मतलब जो नंबर है उस नंबर के यूनिट एंड 10 प्लेस इनका जोड़कर जो भी नंबर रहेगा वो अगर 4 से डिवाइड रहेगा तो वो टोटल नंबर जो है वो 4 से डिवाइड रहेगा। उसके बाद है
डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय फॉर 9. इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 9, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9. मतलब देखो 9 के टेस्ट में क्या है, तो जो डिजिट नंबर रहेगा उस नंबर में जो भी डिजिट रहेंगे उनकी सम करने की, वो सम अगर 9 से डिवाइड रहेगी तो वो नंबर जो है वो भी 9 से डिवाइड रहेगा. तो इस तरह से ये 3 टेस्ट जो है 3, 4 and 9 की, उसका मैंने स्टडी करने के बाद, एक्सप्लेन करने के बाद अभी उस पर डिपेंड हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो देखो इसमें क्वेश्चन 3 है, रीड द नंबर्स विच ऑफ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, 4 and 9, राइट देम इन द एम्प्टी बॉक्सेस. नंबर्स दिए हैं 591, 264, 549, 654,  712, 636, 612, 658, 9,039, 5,338, 5,440. डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 9. क्वेश्चन है 4, राइट 53 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 3, राइट 53 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 4, एंड राइट 53 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 9. तो देखो इसका सबका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है और आपको कैसे सॉल्व करने का है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. तो आप लोगों को अपने नोटबुक में ये वर्कशीट जो है वो सॉल्व करने का है.